नूरानी टावर की दुकानें तोड़ने को लेकर फिर से हुआ बवाल, क्या कहा दुकानदारों ने देखिए। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। यूनाइटेड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी विंग एबीसी नूरानी टावर कौसा पेट्रोल पंप रशीद कंपाउंड के प्रवेश द्वार को लग करके ये पूरा जो मामला है, काफी विवाद चल रहे हैं। दुकानदार हाईकोर्ट तक गए थे, आखिर में हाईकोर्ट के निर्देशानुसार बिल्डर को, जो भी बिल्डर इसमें एमकेएच बिल्डर हैं, उनको डेवलप करने के लिए इन दुकानदारों से भी एग्रीमेंट बनाने पड़ेंगे। 23 नवंबर की इसकी हाईकोर्ट शाहरुख काथावाला जस्टिस जो है उन्होंने आखिरी इसमें डेट दी है। मगर ऐसे में ही अब यहाँ पर 1 अक्टूबर को शाम के समय पुलिस बंदोबस्त के साथ यहाँ तोड़ू कार्रवाई शुरू की गई, दुकानों की लाइटें कट की गई और इस कार्रवाई ने फिर एक बार दुकानदार और इस बिल्डिंग का डेमोलिशन करने वाले बिल्डर ग्रुप को जो है आमने सामने ला दिया। क्या कहा दुकानदारों ने इस कार्रवाई को लेकर के और किस तरीके का यहाँ माहौल था, देखिए। बोलो चाचा, आपका 10 मिनट क्या 5 मिनट भी नहीं, आपका किस चीज का शॉप था चाचा? हमारे जस्ट बाजू में उनका ही शॉप है, पीओपी का दुकान था, दुकान नंबर 8। पीओपी का दुकान था, दुकान नंबर 8, दुकान नंबर 8 था। 10 मिनट का भी टाइम नहीं दिए कि 10 मिनट 15 मिनट में आदमी सामान निकाल ले, सब उसी तरह सामान हमारी सत्यानाश हो गया, तोड़ ताल के उसी जब्त कर दिया। और कोई बोल जो बोल भी रहे तो 2-4 छोक रहे तो पुलिस वाले मार मार के निकाल दिए। हमको हटा रहे तो हमारे को हटाने भी नहीं दिया गया, तो लोगों को हटाने की भी मोहलत नहीं दी है। कम से कम कुछ आधे घंटे की तो मोहलत दी होते, हमने सामान तो हटा लिए होते हमारा। ये कौन सी जालिमाना हरकत है बताओ ना भाई, हम मुसलमान है भाई। आप लोग देख सकते हो कि 6 बजे के बाद सबसे पहले तो ये लोगों ने तोड़फोड़ की है और उसके साथ ही साथ इन लोगों को मोहलत भी नहीं दी। और आप देख सकते हो पूरी लाइन तोड़ डाले, लेकिन वो होटल भी गया क्या? होटल नहीं गया, होटल अभी भी है वहाँ पर, होटल को नहीं तोड़ा गया है। और अभी अंधेरा काफी हो गया, होटल को नहीं तोड़ा गया, आप लोगों की दुकानों को तोड़ा गया। वहाँ पर सब आ गए थे, वहाँ सब बड़े बड़े आ गए थे, इसके लिए वो बच गए। और आप लोगों के लिए कोई नहीं आया? कोई नहीं आया भाई, कोई नहीं खड़ा हुआ, कोई नहीं खड़ा हुआ हमारे लिए, कोई नहीं खड़ा हुआ भाई। तो ये जो अभी तोड़े हैं, ये आप लोगों को नोटिस दिए थे लोगों ने तोड़ने से पहले? दिया था भाई, नोटिस दिया था। हाँ। लेकिन भाई 6 बजे के बाद इनकी ड्यूटी खत्म होती है। कोई बता सकता हमारे को भाई 6 बजे के बाद इनको यहाँ पर आके तोड़ने का किसने दिया भाई? तो ये लोग आए, आप लोगों का सामान मैंने खुद देखा, अंदर पड़ा था कुछ भी नहीं, 2-2.5 लाख रुपए की वाट लगा डाली, निकालने की मोहलत नहीं थी, निकालने की मोहलत नहीं थी उन लोगों ने, कोई मोहलत नहीं मिली भाई, कोई मोहलत नहीं मिली, वाट लगा डाले पूरी भाई। देखो हम लोग बोल रहे थे, मिन्नत कर दे, हाजत कर रहे थे भाई, कुछ नहीं पूरा सामान तो आप लोग ये देख सकते हो, स्टील का नया सामान हमारा, सामान और यहाँ पर चूल्हा वगैरह जो सब कुछ है यहाँ पर पड़ा है, सब हमारा पूरा बर्बाद कर दिए, पूरा बर्बाद कर दिए, हमारे को बोले भी नहीं। भाई का कहना है कि इनको कुछ भी नोटिस वगैरह तो पहले दिए थे, लेकिन 6 बजे के बाद आके तोड़फोड़ किस चीज की, और साथ ही साथ इनको मोहलत भी नहीं थी अपना सामान निकालने की। मैं बोला 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट हमारे ऊपर गाड़ी चलाने के लिए तैयार हो गए पुलिस वाले, हमारे को मारने के लिए तैयार हो गए भाई। जजाकल्ला भाई। चार